हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा बट बी से लेस होगा यानी बी से छोटा होगा। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर विच सेटिस्फाइज द कंडीशन ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज इक्वल और ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन बी। यूक्लिड डिवीजन लेमा है ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। चलिए इसको हम समझते हैं थोड़ा सा, ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है और आर क्या होता है। तो ए और बी आपके क्या हैं, दो आपके इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये निगेटिव इंटीजर्स नहीं है जो आपको क्वेश्चन में दिए रहते हैं। यहाँ पर दिया गया है जैसे कि ए और बी दिए रहने पर ये आपके धनात्मक पूर्णांक हैं। अब बात करते हैं क्यू और आर क्या होता है। तो जब हम ए को बी से डिवाइड करते हैं तो आपको कोई क्वेश्चन मिलता है जिसे हम भागफल बोलते हैं और आपका रिमाइंडर मिलता है जिसे हम हिंदी में शेषफल बोलते हैं। तो ये वही है, जब आप ए को बी से डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा उसे हम क्वेश्चन बोलेंगे और आपका कुछ ना कुछ बचेगा जिसे हम शेषफल या रिमाइंडर भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कंडीशन दी गई है, जो आर है वो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है बट जो आर है वो बी से हमेशा छोटा होगा। तो चलिए इसको और अच्छे समझते हैं। यदि बी की वैल्यू है थ्री तो जो आर होगा वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है और टू हो सकता है, थ्री नहीं हो सकता या थ्री से ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि थ्री आपका क्या है, बी है। तो जो आर है वो बी से हमेशा लेस होगा। आप देखते हैं इसका यूज क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज क्या है। तो इसका जो यूज है वो HCF फाइंड करने के लिए करते हैं, हिंदी में से बोलते हैं मासा फाइंड करने के लिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम करेंगे HCF को फाइंड करने के लिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निम्नलिखित के HCF ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है 32 और 64 का HCF निकालना है। तो इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम A मानेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम B मानेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये A होगा और ये वाला B होगा। अब यहाँ पर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूज करना है। तो क्या होता है, A बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू को पुट कर देना है, बड़ा नंबर ये है इसलिए हमको A माना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 64 बराबर, बी की वैल्यू क्या है 32 है, 32 क्यों मल्टीप्लाई में है, अभी हमने क्यों फाइंड नहीं किया है। तो यहां पर आपको क्यों फाइंड करना है, क्यों कैसे फाइंड करते हैं, आपको ए को बी से डिवाइड करना होता है। तो ए आपका 64 है तो इसको आपको बी से डिवाइड करना है, बी आपका 32 है तो 32 दूना कितना होगा 64 होगा, शेषफल जीरो बचेगा। तो यहां पर आपका क्यों क्या होता है, क्वेश्चन होता है भागफल होता है, भागफल कितना है 2, तो आपको यहाँ पर क्यू की जगह पर 2 पुट कर देना है प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल आपका कितना बचा 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये बी की वैल्यू आपकी क्या होगी, आपका HCF होगा। ध्यान रखना, जब रिमाइंडर 0, जब आर 0 हो तो बी HCF होगा, जब R 0 हो तो B HCF होगा। तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या है 0 हो गई है तो ये आपका B क्या है, ये 32 है तो ये आपका HCF हो जाएगा, कितना है 32। तो इन दोनों के HCF आपका 32 होने वाला है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 150 और 200 का HCF ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, 150 और क्या है 200 का HCF निकालना है। तो सबसे बड़ा जो नंबर है उसको हम A मानेंगे तो ये 200 A हो जाएगा और ये वाला आपका B के इक्वल होगा। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं, क्या है A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या है 200 है तो आपको 200 पुट कर देना है, B की वैल्यू आपकी ये 150 है छोटी वाली वैल्यू, अभी क्यू की वैल्यू हमने फाइंड नहीं की है।
तो क्या करना होता है, ए को बी से डिवाइड करना होता है। तो ए 200 है, तो 200 को बी से यानी कि 150 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 150 से कम 150 कितना बचेगा आपका, 50 बचने वाला है। तो यहाँ पर आपका भागफल क्या है, 1 है, यानी कि क्यू की वैल्यू 1 है और रिमाइंडर आपका 50 है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर स्टेप 2 यूज करेंगे, स्टेप 2। अब यहाँ पर हमको स्टेप 2 यूज करना पड़ेगा। स्टेप 2 को आपको ध्यान से समझना है। स्टेप 2 में क्या करते हैं, इसको आपको बंद कर लेना है और यहाँ से बड़ी वैल्यू ये है और छोटी वैल्यू ये है, यानी कि इसको आपको एक स्थान पर रख देना है, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर ऐसे होता है। ए की जगह पर ये वाला वैल्यू रख लेना है, इसको बंद कर लेना है बराबर, और बी की जगह पर ये वैल्यू रखना है 50। फिर से सिंपली इसको सॉल्व करना है, इसमें इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि ए में बी को डिवाइड करेंगे, 150 यहाँ पर क्या है 50 है, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 0, और आपका भागफल यानी कि क्यू 3 होगा। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 0 बचा। तो जब शेषफल 0 होता है तो HCF कौन होता है आपका, B की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर B की वैल्यू क्या है आपकी, 50 है। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा आपका, 50 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 4052 और 12576। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये बड़ा है तो इसको हम A मानेंगे और ये वाला आपका B रहेगा। तो यहाँ पर आपको यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर एक वैल्यू को पुट कर देना जो कि है 12576 बराबर, और बी की वैल्यू आपकी है 4052। अब यहाँ पर आपको क्यू की वैल्यू निकालना है और आर की वैल्यू निकालना है। क्यू की वैल्यू निकालने के लिए आपको ए की वैल्यू को बी की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू है 4052 और बी की वैल्यू है 12576। तो ये 3 बार जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 बार जाएगा तो आपको होगा 12156। अब इसमें से घटा देंगे, 6 में से 6 गया 0 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, कितना बचेगा, 420 बचेगा। ये बड़ा है ये छोटा है, तो शेषफल ये रहेगा और आपका भागफल ये रहेगा, जिसे बोलते हैं क्वेश्चन, ये है रिमाइंडर। तो क्वेश्चन आया है आपका 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं, और रिमाइंडर आया है आपका 420। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो स्टेप 2 सॉल्व करना पड़ेगा। स्टेप टू सॉल्व करते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको ये वाला नंबर्स को बंद कर लेना है और आपको इस नंबर को ए मान लेना है और इस नंबर को बी मान लेना है। तो इसको ए मानना है, उसको बी मानना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ऐसे आपको लिख लेना है, ये ए है ये बी है। अब इसमें इसको डिवाइड करना है क्यू की वैल्यू को फाइंड करने के, ये वाली वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो 420 आपको डिवाइड कर देना है 4052 को। तो ये कितने बार जाएगा, ये आपका 9 बार जाएगा, कितना आएगा 3780। अब घटा देंगे, 2 में से 0 गया 2 बचा, 15 में से 8 गया आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर 9 हुआ, 9 में से 7 गया बचा 2, कितना बचेगा 272 शेषफल बचेगा। भागफल यानी कि क्वेश्चन आपका 9 है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 9, और शेषफल आपका 272 है, तो आपको यहाँ पर पुट कर देना है। अभी भी आपका शेषफल 0 नहीं आया, तो स्टेप 3 की तरफ चलना पड़ेगा। तो हम स्टेप 3 सॉल्व करेंगे। स्टेप 3, अब इसको बंद कर देना है, फिर से ये ए और ये बी, 420 ए और ये 272 आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर फिर से 272 इसमें भाग कर देना है, तो 272 इधर लिखते हैं और आपका कितना है 420 ए की जगह पर इसको भाग करना है। तो भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, तो ये एक बार जाएगा, 272 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 148 और आपका भागफल होगा 1 और शेषफल होगा 148। तो यहाँ पर भागफल की जगह पुट कर देना है और शेषफल आपका आया है 148। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो स्टेप 4 की तरफ मूव करना पड़ेगा। स्टेप फोर में क्या करना है, ये आपका ए और ये बी, फिर से लिख लेते हैं 272 बराबर 148 गुड़े, अब यहाँ पर 148 है, इधर 272 है, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा 148, इधर रहेगा 272,
ये एक बार जाएगा 148 और घटा देंगे, घटाने पर आपको मिलेगा 124। ये आपका क्वेश्चन है 1, ये यहाँ पर देख सकते हैं, और रिमाइंडर आया है आपका 124। अब यहाँ पर अभी भी शेषफल 0 नहीं है, तो ये ए और ये बी, 148 ए हो जाएगा और ये 124 बी हो जाएगा। ये स्टेप नंबर 5 है, स्टेप 5। अब यहाँ पर फिर से क्या करना है, 124 इधर आपका कितना रहेगा, 148। ये एक बार जाएगा 124, घटा देंगे, घटाने पे आपको मिलेगा 24। तो यहाँ पर भागफल आपका है 1 और शेषफल आया है 24। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, तो हमको स्टेप 6 को सॉल्व करना पड़ेगा। स्टेप 6 है, यहाँ पर आपको 124 आपका ए हो जाएगा और बी आपका 24 होगा। अब यहाँ पर आपको 24 यहाँ पर रहेगा 124, ये कितनी बार जाएगा, तो ये आपका 5 बार जाएगा, जो आपका मिलेगा 120। घटा देंगे तो आपको मिलेगा 4, तो यहाँ पर भागफल 5 है और यहाँ पर आपका 4 आया है। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, तो स्टेप 7 को सॉल्व करना पड़ेगा। स्टेप 7, फिर से आपका ये ए हो जाएगा, ये बी होगा, तो 24 क्योंकि इसको हम भूल जाते हैं, यह है आपका 4। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, 4 इधर 24 इधर, तो 6 बार जाएगा और आपका शेषफल 0 बचेगा। ये कितने बार गया है, 6 बार गया है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे और शेषफल आपका आया 0। अब यहाँ पर शेषफल आप देख सकते हैं जो कि 0 आया है। जब शेषफल 0 आता है तो बी की वैल्यू HCF होती है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू 0 आई है, तो बी की वैल्यू आपका क्या होगा, HCF होगा, तो बी की वैल्यू 4 आई है, तो इसका जो HCF होगा वो आपका क्या होगा, 4 होगा। HCF जो आया है वो कितना आया है, 4। ये आपका आंसर आएगा। ये रहा आपका होमवर्क, इसको आपको सॉल्व करना है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।